नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बी। एक बार फिर से तेजो की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एक बार फिर से तेजो टूटने वाली है क्योंकि फतेह अब रिश्ता तोड़ने वाला है तेजो से। क्या सचमुच फतेह जो है वो तेजो से रिश्ता तोड़ देगा? क्या सचमुच फतेह के हाथ ये लेटर लग चुका है या सिर्फ ये एक प्रोमो है ताकि फैंस लगातार ये चीज़ देखें? वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी कोई प्रोमो आता है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ बड़ी होती ज़रूर है। जैसा कि आप सबने देखा कि एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और उस एक्सीडेंट से बहुत सारी चीज़ें बदली भी थीं और वो वैसा ही हुआ। उससे पहले भी उड़ारिया में बहुत सारे सस्पेंस देखने को मिले थे, बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिले थे और वो सब कुछ हुआ है। तो अब ये भी खबरें बहुत टाइम से आ रही थी कि फतेह और तेजो की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि फतेह और तेजो की शादी इतनी जल्दी अभी नहीं होने वाली है। तो ऐसे में अब कुछ यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, एक बार फिर से तेजो परेशान होने वाली है क्योंकि यहाँ पर फतेह के हाथ लग गया है जैस्मिन का वो लेटर। सब कुछ सच सामने आ चुका है और इसी वजह से फतेह काफ़ी तेज चिल्लाता है और कहता है कि ये रोका नहीं हो सकता, और सब ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो वहीं पर तेजो भी बिल्कुल बदहवास सी हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है। यहाँ पर फतेह जो है वो लेटर दिखाता है और ये देखकर तेजो के होश उड़ जाते हैं और फिर वो रोका तोड़ता है। और यहाँ पर आ जाती है जैस्मिन और जैस्मिन भी बिल्कुल शॉक्ड होती है, क्योंकि जैस्मिन भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है। और अचानक से जब जैस्मिन सामने आती है तो फतेह कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सचमुच जो है वो फतेह अब शादी नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी चीज़ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि सब अगेन, क्योंकि अब बड़ी चीज़ जो है उड़ारिया में देखने को मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग ज़रूर हो गया है उड़ारिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि अब शो को देखने में फैंस को इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स है ही कुछ ऐसे। अब यहाँ पर जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि फतेह जो है वो अब तेजो से बहुत सारी बातें बोलने वाला है, और वो ये बोलने वाला है कि उसने बहुत भरोसा किया था तेजो पर और अब इस वक्त तेजो ने उसका भरोसा तोड़ा है। तो ऐसे में अब जो है वो तेजो से बहुत सारी बातें वो कहेगा, जिसके बाद शायद तेजो के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं होगा। वो बार बार कहने की कोशिश करेगी कि मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन वो नहीं बोल पाएगी, और इसी से रिलेट बहुत सारी चीज़ों को फतेह करने वाला है, जो कि देखना काफ़ी दिलचस्प होगा आने वाला ट्रैक। इस वीडियो में बस इतना ही।